कल हैदराबाद शहर में गणेश निमज्जनम का हर साल की तरह हुसैन सागर टैंक बंड में बहुत फैमिलीज इंडिविजुअल्स ये लोग अपने अपने गणेश आइडल को लेकर आएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से GHMC RNB इलेक्ट्रिसिटी फायर डिपार्टमेंट मेट्रो वाटर वर्क सब लोग मिलकर गणेश भक्त के कन्वीनियंस के लिए हम लोग पिछले एक वीक से बहुत अरेंजमेंट किए हैं और आज सुबह एक इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग भी हुई। हमारे गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक करीब सब मिलाकर 50 से ज़्यादा क्रेन्स का डिप्लॉयमेंट भी हैदराबाद साइबराबाद राजकोंडा में हुआ है और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट खास करके जहाँ जहाँ कुछ रूट का डाइवर्शन करना है, जैसे इस बार कुछ जगह नाला रिपेयर के कारण सिद्धि अंबर मार्केट के पास करीब 1 किलोमीटर का एक डाइवर्शन रहेगा, तो इसके लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस के तरफ से वहाँ बैरिकेडिंग और वहाँ ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट साइनेजेस भी है। हमारे एडिशनल CP ट्रैफिक के तरफ से आज शाम को प्रेस को मीडिया को एक मैप के साथ पूरे रूट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम लोगों का अंदाज़ा है करीब 4500 के लगभग आइडल्स जो 3 फीट से ज़्यादा हैं वो आज शाम से लेके कल देर रात तक हुसैन सागर में आने की उम्मीद है। हमारे सेंट्रल जोन के ऑफिसर्स और ट्रैफिक ऑफिसर्स मिलकर जो अभी तक कैलकुलेशन किए हैं उसके मुताबिक लगभग 30,000 के लगभग आइडल्स का अभी तक निमज्जनम हो चुका है और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कोविड के सिचुएशन में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बेसिक प्रिकॉशन लेते हुए वो लोग आएँ और गणेश का निमज्जनम करें टैंक बंड में। इसके साथ हमारे DGP साहब बाहर से भी फोर्स दिए हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस का फोर्स और सीनियर ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, स्पेशल ब्रांच जॉइंट CP तरुण जोशी और सभी DCPs जॉइंट CPs मिलकर सेक्टर वाइज अपने अपने एरिया में ये लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि पब्लिक के सपोर्ट कोऑपरेशन और पूरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर गणेश भक्त के लिए जो हम लोगों ने ये पूरी तैयारी की है उससे उनको बहुत सुविधा और कन्वीनियंस रहेगा। थैंक यू।